शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रानी कुछ तो बोलो, खोलो अपनी जुबान, बता दो कि सच्चाई क्या है। देखो वरना चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं तुम्हें इस हाल में देखकर हर पल मर रहा हूं। रानी तुम इस तरह चुप क्यों हो? हमारे बीच तो कोई पर्दा नहीं था, हम दोनों खुली किताब थे एक दूसरे के लिए। अचानक ही बदलाव क्यों रानी? वहां वकील परेशान हो रहे कि तुम्हारे केस के लिए कौन से नए बहाने, कौन सी नई कहानी बनाए। देखो रानी, हमारा केस हर पल कमजोर पड़ रहा है, और कमजोर केस की सजा बहुत सख्त हो सकती है। देखो रानी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। तुम्हें मेरी, आपको हमारी कसम राज, आप हमसे कुछ मत पूछेगा, हम नहीं बता पाएंगे। माफ कर दीजिए राज। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। धीरज, धीरज प्लीज, मम्मी जी से कहो ना, वो समझ क्यों नहीं रही है। इस वक्त रानी को हमारी बहुत जरूरत है, पापा को भी हमारी जरूरत है, शीतल जी जी, शाली जी जी सब वहाँ हैं, बस मैं वहाँ नहीं हूँ। पर मम्मी जी ने ना कह दिया है तो? ना हाँ में भी तो बदली जा सकती है, ये कैसी जिद है धीरज। अगर इस मुश्किल वक्त में हमने अपनों का साथ नहीं दिया तो तुम्हारा मुश्किल वक्त हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। तुम तो जाओगी वहाँ अपनी कातिल बहन का साथ देने के लिए, और यहाँ सब रिश्तेदार और जान पहचान वालों में बात फैल जाएगी। ना पापा ना, मुझसे नहीं संभाली जाती एक और बदनामी। पहले तो बाप दिवालिया हो गया, और रही सही कसर बहन पूरी कर रही है। देखो कोमल, तुम्हारे परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई है, हमारे परिवार की इज्जत अभी भी बाकी है, कम से कम उसे तो बख्श दो। धीरज चलो अंदर, तुमसे कुछ बात करनी है। धीरज प्लीज। किस्मत ने कैसा खेल है खेला, ना कुछ कहा जाए ना चुप रहा जाए,
मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। ना कुछ कहा जाए ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। जाने क्या होगा फैसला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे, उनके रानी गोयल के साथ संबंध थे। इस बदचलन औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और शादी के बाद भी जो उसके साथ अपने नाजायज संबंध रखना चाहती थी। एक औरत कोई रिश्ता कब छुपाती थी जब उसके मन में पाप हो। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ, रानी गोयल का संबंध विक्रम कोठारी के साथ था, विक्रम कोठारी के साथ था। सच्चाई ये है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत, सच्चाई ये है योर ऑनर कि ये एक बदचलन औरत, सच्चाई ये है योर ऑनर कि ये एक सलोनी बेटा, मैं देख रहा हूं लेकिन महसूस कर रहा हूं तुम्हारे दिल पे जरूर कोई बोझ है, जो बोझ कुछ बातों को छुपाते छुपाते बढ़ जाता है, और वही बोझ दर्द बनकर कभी आंखों में कभी चेहरे पर साफ साफ नजर आता है। बेटा कोई बात तो है जो तुझे बेचैन कर रही है। देख, तू मेरी बेटी है और रानी मेरी बहू है, तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। रानी की चुप्पी उसकी ताकत है, चुप रहती है दूसरों की बातों पर पर्दा डालने के लिए। बेटा तू चुप रहती है अपने दिल की बात को छुपाने के लिए। हाँ हाँ, खाना क्यों नहीं खा रही? राज को भी कह देना खाना खा ले। कह तो दिया मैंने लेकिन पता नहीं सुना है कि नहीं। वैसा बता रहे मम्मी जी, हमसे ना राज की हालत देखी नहीं जा रही, बहुत खराब लगता है, भूख भी एकदम मर गई है। सचमुच इस रानी ने तो जैसे हमारा घर नर्क बना दिया। जाइए जाकर देखिए जरा अपने फूल जैसे बच्चे को क्या हालत की है उस रानी ने उसकी। क्या क्या सोचा था सच्ची, शादी होगी, घर में खुशियां आएंगी, सामान आएगा, पैसे आएंगे, कुछ भी नहीं आया, ना खुशियां ना सामान। वैसे बता रहे, बोल रहे आप 50 जोड़ी जूते लाई थी साथ में? हाँ बेटा, वही तो अपन लोगों के सर पे पड़ने वाले हैं। पहले जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उस कुलक्षणी के ये जो लक्षण है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अरे दिल से हाय देती हूँ मैं उसे, जिसने भी मेरे घर की सुख शांति में आग लगाई है, बर्बाद किया है, भगवान करे कि वो फांसी के तख्त पे लटक के मर जाए, तब जाके मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। बस करो माँ।
जिस भाभी के लिए आपके मुंह से दुआएं निकलनी चाहिए, आप उसे बददुआएं दे रही हैं। हे भगवान, अब किस बात की दुआएं दूं तुम लोग बताओ मुझे, किस बात की दुआएं दूं उसको मैं? जो रानी भाभी ने इस घर के लिए किया है ना, वो शायद ही कोई कर सकता है। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता जो उसने किया है, धोखा जो दिया है हम सबको। नहीं, रानी भाभी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। जरा समझाइए, देखिए इसे क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ, धोखा रानी भाभी ने नहीं, आपकी बेटी ने दिया है आपको। इस घर की खुशियों को निगलने वाली भाभी नहीं, आपकी बेटी है। गुनेगार वो नहीं, गुनेगार तो मैं हूं। लच्छन आपकी बहू के नहीं, आपकी बेटी के खराब थे। इतने दिनों से मैं अपने मन पर एक बोझ लेकर जी रही थी। रानी भाभी ने जो कुछ भी किया, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया, मुझे बचाने के लिए किया। वो विक्रम, उसके साथ रानी भाभी का नहीं, मेरा संबंध था। भाभी ने तो कई बार मुझे उसके खिलाफ समझाया, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। फिर उन्होंने किसी भी तरह मुझे विक्रम की सच्चाई बताई। मैंने विक्रम से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन विक्रम बार बार मुझे फोन करने लगा। और मुझे उससे मिलने के लिए कहने लगा। ब्लैकमेल करने लग गया था वो मुझे। जब नितिन और मेरी सगाई की रस्म होने वाली थी, तुम्हारी सगाई की तैयारियां चल रही हैं, मैं वहां पे आके अपनी वो रोमांटिक सीढ़ी लगा दूंगा। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो वो मेरे और उसके संबंध के बारे में नितिन के पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। तब बेचारी रानी भाभी मेरी जगह वहां पर चली गई और अपने आप को बचाने के लिए आज तक रानी भाभी ने अपनी जबान पर ताला लगाया है तो वो सिर्फ इसलिए, ताकि मेरे नाम पर कोई कीचड़ ना उछाल पाए। जिस रानी भाभी को आप बार बार कह रहे हैं कि उसने इस घर की इज्जत को बर्बाद किया है, उसी रानी भाभी ने आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसका घर बसाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उनकी तरफ एक उंगली उठाते वक्त आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पर भी दो उंगलियां उठ रही हैं? आप लोगों को जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, रानी भाभी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। असली कसूरवार मैं हूं, रानी भाभी नहीं। आज तक ये बात हम सबसे छुपाए रखी? तुम अब तक चुप रही? भैया, मैं तो उसी दिन आप सबको सब कुछ बता देने वाली थी,
लेकिन रानी भाभी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी। लेकिन आज जो कुछ भी उनके साथ कोर्ट में हुआ मुझसे देखा नहीं गया। और तो और घर में भी हर कोई उन्हीं पर उंगलियां उठा रहा है। मुझसे ये अन्याय देखा नहीं गया, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया और रानी भाभी की कसम भी तोड़ दी। लो, एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। अब भुक तो अपने लाल प्यार का नतीजा। बार 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 कह रहा था लड़की को इतनी आजादी मत दो, लेकिन आप कहती रहे ना, मेरी बच्ची तो गाय है गाय। अब देखो इसके रंग ढंग देकर लग रहा था कि लड़की निकल रही है हाथ से। लो निकल गई है। घर की इज्जत का तमाशा तो बन ही चुका है। अब बच्ची कुछ काली भी लगा लो चेहरे पे। बता रहे हैं सलोन ने जो कुछ भी कहा ना, इस घर के चार दीवार के अंदर ही रहना चाहिए, वरना सगाई तो टूट ही जाएगी। दूसरी सगाई होनी मुश्किल क्या, नामुमकिन होगी। ठीक कहा माँ आरती, बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले सलोनी की शादी कर दो, फिर सोचेंगे रानी के बारे में क्या करना है। आप ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो मेरी पत्नी है और ये जानते हुए कि वो बेकसूर है, मैं उसे जेल में नहीं देख सकता। तो मत देख ना, मत देख, रास्ता है ना तेरे पास। हाँ जा, जाकर बीवी को जेल से बाहर निकलवा ले और बहन को सड़ने के सलाखों के पीछे छोड़ा। आज जरा सोच सलोनी के बारे में, इतनी चिंता भी बीवी के करता है, बहन की परवाह बिल्कुल नहीं तुझे। मनोज भैया प्लीज, बात पत्नी की ख्याल या बहन की परवाह कर रही है, बात ये है कि गुनेगार कौन है, बात ये है कि गुनेगार कौन है, गुनाह किसने किया है और गुनाह मैंने किया है, गुनाह मैंने किया है। सजा मुझे मिलनी चाहिए, किसी बेकसूर को नहीं, किसी बेकसूर को नहीं। धन्य हो, एक और पैदा हो गए हमारे घर में आदर्श वाली। अरे माँ समझाइए इसे। अब चुप क्यों है माँ, कुछ बोले ना। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ये ठीक है तो करिए जो मन में आया करिए, लेकिन एक बात आप लोग मेरी सुन लीजिए, इस झंझट से मुझे दूर रखिएगा। सलोनी का केस लड़ने के लिए किसी तरह की मदद, ये पैसों की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। सलोनी, अपनी गलती की सजा पाने का इतना ही शौक है ना, हाँ तो जाओ भुगतो, सड़ो जेल की सलाखों के पीछे। और आज सलोनी के भविष्य में आग लगती तो लगे, लेकिन तुम्हारी बीवी रानी महारानी को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। आप सब लोग बख्श दो,